लेट्स डिस्कस फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3। अब PCl3 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब हम इसके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3 दैट इज फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। अब PCl3 के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फरस विथ क्लोरीन Cl2। अब देखिए व्हाइट फॉस्फरस जो है वो फॉस्फरस की सबसे ज्यादा रिएक्टिव वैरायटी होती है। सो व्हेन वी ट्रीट व्हाइट फॉस्फरस विथ क्लोरीन देन वी कैन हैव PCl3 इन बल्क। सो याद रखना दिस कंस्टिट्यूट वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो व्हेन व्हाइट फॉस्फरस इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन देन PCl3 इज ऑक्टेट। और ज्यादातर PCl3 को कमर्शियल मैनर में इसी मेथड से बनाया जाता है। सो व्हाइट फॉस्फरस व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ क्लोरीन देन वी कैन हैव PCl3। इसको बैलेंस कर देते हैं इस तरह से। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसके बाद सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फरस विथ SOCl2 दैट इज थायोनील क्लोराइड। यानी थायोनील क्लोराइड के साथ अगर आप व्हाइट फॉस्फरस को ट्रीट करें तो भी हमें PCl3 मिल सकता है। सो व्हाइट फॉस्फरस रिएक्ट्स विथ थायोनील क्लोराइड दैट इज SOCl2 टू फॉर्म PCl3। अब यहां पे देखिए हम किस प्रकार से इसको मेंशन कर सकते हैं। व्हाइट फॉस्फरस मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन P4 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ थायोनील क्लोराइड दैट इज SOCl2 देन वी कैन हैव PCl3। हमें PCl3 मिलेगा। उसके बाद H2Cl2 एंड रिलीज ऑफ SO2 एज वेल कैन बी सीन और ऑब्जर्व। सो इट वॉज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3। अब देखिए PCl3 काफी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। सबसे पहली बात, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 ग्राम पर सीसी होता है। याद रखना, सो PCl3 इज कलरलेस ऑयली लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 ग्राम पर सीसी दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ वॉटर। लेट्स डिस्कस रिएक्शन विथ वॉटर। जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो किस चीज का, PCl3 का, तो हमें HCl और फॉस्फरस एसिड मिलता है। सो ऑन हाइड्रोलिसिस
on hydrolysis of what PCl3, we get H3PO3, that is phosphorus acid, and HCl as a product. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम mention कर सकते हैं. So PCl3 prefer to react with water, producing H3PO3 and HCl. So this constitute very first property. अब इसके बाद second one is reaction with chlorine. Let's discuss reaction of PCl3 with chlorine. याद रखना chlorine की addition PCl3 के ऊपर होती है और हमें PCl5 मिलता है. So PCl3 reacts with chlorine to form PCl5. अब इसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. PCl3 prefer to react with chlorine, producing PCl5. हम लोग को PCl5 मिलेगा. अब इसके बाद let's discuss reaction of PCl3 with organic compounds containing OH group. So reaction with organic compounds containing OH group. अब इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं या फिर अल्कोहल देख सकते हैं. याद रखना PCl3 can be used to displace hydroxyl group from the hydrocarbon to form halogen containing compound. So what PCl3 can do? PCl3 displaces OH group from hydrocarbon to form halogen containing compound. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है जैसे कि अल्कोहल. So when alcohols are allowed to react with PCl3, then we can have alkyl chloride along with H3PO3. Similarly, अगर हम carboxylic acid लेते हैं और carboxylic acid को PCl3 के साथ treat करते हैं तो हमें acyl chloride मिलेगा by replacement of what? OH group. इसके बाद अगली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद AgCl. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद AgCn यानी सिल्वर साइनाइड रिएक्ट्स विद PCl3 प्रोड्यूसिंग फॉस्फरस ट्राइसाइनाइड. अब इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं व्हेन PCl3 इज ट्रीटेड विद व्हाट AgCn, then we can have PCn3 along with AgCn. So these are some of the properties of PCl3.